एक ग्राम पंचायत सिरकुतंगा जिला सरगुजा छत्तीसगढ़, जो कि यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ और दिनांक 4 मई 2020 से जो कि हिंदुस्तान में और पीएम प्रधानमंत्री और प्रशासनिक सेवा जो दे रहे हैं सीओ साहब ने अपने विकास खंड के अंदर जितना भी गांव आते हैं उसको सख्त निर्देश दिए हैं ग्राम पंचायत जो कि स्व सहायता समूह की जो महिलाएँ हैं चाहे सरपंच सचिव को सभी को जो कि बाहर से भी आ रहे हैं कह सकते हैं महाराष्ट्र से चाहे दूसरे दूसरे जगह से जो कि लॉकडाउन का जो पहले से चल रहा था लॉकडाउन जो कि 25 मार्च से स्टार्ट है लगातार और अभी तक बरकरार है क्योंकि कोरोना वायरस कोविड-19 2019 से प्रारंभ हुआ था दोस्तों और लगातार 2020 में इंटरनेशनल लेवल पर कहर बन के बरस रहा है। कितना लोग का जान चले जा रहा है, लगातार बढ़ रहा है, इस संक्रमण से बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए गाँव में आने जाने वालों पर नज़र है पूरी तरह से और जो कि हर एक लोगों का यहाँ पर बैरियर बनाया गया है, नाका बनाया गया है और यहाँ पर जो कि हमारे ग्राम पंचायत सिरकुतंगा के मितानिन हैं और जो समूह वाले महिलाएं हैं और सभी लोग का जो कि 7 बजे से 12 बजे तक और 7 से 12 से 3 और 3 से शिफ्ट बाय शिफ्ट काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा जिम्मेदारी लेकर काम कर रहे हैं, ज़रूरी है हर एक को जिम्मेदारी और सावधानीपूर्वक काम करना पड़ेगा तभी हम एक मुक्त कोरोना वायरस से हम बच सकते हैं और एक बहुत ही अच्छा भारत रहेगा, पहले जैसे सामान्य ज़िंदगी जियेंगे दोस्तों। तो वेलकम, मेरा चैनल है परमान राजवाड़े मोटिवेशनल स्पीकर, उस चैनल पर जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बहुत सारा वीडियो है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और दूसरा चीज़ है कि आप कोरोना से रिलेटेड कोई भी जानकारी कमेंट करके बताइएगा। सिरकुतंगा में हूँ, यहाँ पर महिलाएँ हैं, बहुत सारा सेवा दें, उनसे मैं जानकारी लूँगा। सर यहाँ आपका नाम क्या है? हाँ, तो यहाँ पर जी सिरकुतंगा से, तो ये जानकारी मैं चाहूँगा कि यहाँ पर कल से प्रारंभ हुआ है पिताजी का नाम, ये गाड़ी वाले हैं, नाका लग रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं नज़ारा और ये गाड़ी यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और यहाँ पर रुक गए एक मिनट, अरे जो पुलिस प्रशासन यहाँ पर जो कि प्रोटेक्शन और पूरा ले रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर आए हुए हैं ग्राम पंचायत सिरकुतंगा में जो कि बहुत ही अच्छा चारों तरफ से और जा भी रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। उसमें जानकारी चाहूँगा सर, अभी कोविड-19 2019 से प्रारंभ हुआ था और अभी 2020 में इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ही अच्छा, तो यह थोड़ा सा बताइएगा, मेरे यूट्यूब के माध्यम से आएगा जो कि कोविड-19 से जो सतर्कता बरतेंगे, अभी 3 कड़ी में चल रहा है, बहुत अच्छा हिदायत दिए हैं जो कि बाहर से आ रहे हैं, कह सकते हैं महाराष्ट्र तरफ से, उन लोग से बचना भी है और पूरी तरह से मास्क वगैरह प्रोटेक्शन अपने आप में, तभी आप मुक्त हिंदुस्तान बच सकते हैं सामान्य ज़िंदगी। इसके बारे में 2 शब्द मैं जानना चाहूँगा सर आपसे। बाहर का जो लेबर आ रहा है तो क्या है, उसको बिल्कुल जो है हीन भावना से नहीं देखना है भाई, वो भी अपना घर बार जाना चाहता है जी, लेकिन ये है कि पूरी सावधानियां बरतते हुए अपने आप को सुरक्षित रखते हुए उनका भी सहयोग कीजिए जी जी भाई, ऐसे जिस गांव से गुजर रहे हैं जी जी, प्रशासन भी उनका सहयोग कर ही रहा है जी जी, मान लो किसी को मदद नहीं मिल पा रही है जी, जिस भी गाँव से गुजर रहे कम से कम उनके लिए अलग से व्यवस्था रहे, कम से कम खाने पीने या रुकने का, जहाँ जो अगर जिसकी ड्यूटी भी लगी है तो वो भी अपना पूरी तरह से सावधानी बरते कि हाथ पूरे अच्छे से धोए वगैरह नहाए धोए बिल्कुल उनके संपर्क में ना आए, लेकिन उनके लिए भी क्या व्यवस्था हो जी, तो क्या भाई घर हर किसी को जाना घर जरूरी भी है, बाहर का लेबर को काम नहीं मिल रहा है जी, उसको तो पैसे की तंगी है, कितना दिन जो है बाहर रहेगा जी जी, कम से कम घर पहुंच कर तो कम से कम 2 वक्त से रोटी तो आसानी से मिल सकता है जी जी। और अभी जो पीएम प्रधानमंत्री का निर्देश है सर, और जो विकास खंड स्तर पर जिला स्तर पर जो भी डिविजनल बाँट करके सख्त बरती जा रही, चाहे कलेक्टर खास अपने अपने जिला का जो निर्देश दिए हैं, जो कि 4 तारीख से प्रारंभ है, जो कि बैरियर पहले नहीं था, थोड़ा सा ढिलाई, लेकिन पहले से अब अलर्ट कर दिए हैं, चूँकि जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ रहा है, है ना, बढ़ रहा है, उसको देखते हुए जो कि बहुत ही अच्छा, तो बहुत अच्छा सर आप जानकारी दिए, आपका शुभ नाम बता देते तो थोड़ा सा। अमित कुमार सिंह। अच्छा अच्छा, अभी कहाँ है पदस्थ सर? अभी यही लगना है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको धन्यवाद इस बहुमूल्य जानकारी के लिए, सहयोग रखिए जी जी, क्या जल्दी से कोरोना मुक्त भारत होगा जी जी, ओके धन्यवाद सर। छत्तीसगढ़ सास भारत लिखा रहा है, ये गाड़ी नंबर आप देख सकते हैं दोस्तों, और यहाँ पर जो कि बहुत सारे नहीं लगाए हुए हैं, आप लोग लगाइए थोड़ा सा, है ना, ये सब पूरा एकदम ये समझ लीजिए कि आप लोग को नियम का पालन करना है पूरी तरह से, ठीक है, अपने आप में सुरक्षित रहना है ना, ये सब पहनना है, जिम्मेदारी लेना है, तभी कुछ हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा समझा दीजिएगा सर। और यहाँ पर आप ही लोग के लिए लगे हुए हैं, है ना, यहाँ पर जो कि ग्राम पंचायत सिरकुतंगा में जो महिलाएं द्वारा पूरा नोट किया जा रहा है, उनका नाम पता लिखते हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या काम करते हैं,
और मास्क लगाए हैं नहीं है, पूरा जानकारी दे रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं नंबर देख क्या। हाँ सर, प्रथम आप अपना नाम बताइए, इसके बाद। मैं श्रीमती रमिती बाई मितानी, ग्राम नंबर छः छः। और ये मैं जानना चाहूँगा, ये क्या बोलते हैं अभी नोट कर रहे हैं, क्या क्या मतलब नियम का पालन करना है आप लोग को, क्या निर्देश दिए हैं? हमको बताया गया कि नाम और पिता, गाड़ी का नंबर, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कब लौटेगा, कितने सवारी बैठे हैं, किस कारण से जा रहे हैं। और जो मास्क उसको नहीं लगा रहे उसको हिदायत देते हैं? जो मास्क नहीं लगाया उसको मास्क लगाने का सलाह देते हैं। और ज्यादा सवारी गाड़ी में बैठने का आदेश नहीं देते हैं। अच्छा, और क्या क्या? इधर उधर ज्यादा घूमने के लिए भी नहीं बोलते। अच्छा, अभी नहीं, जरूरी काम हो तो जाए, नहीं तो ना जाए। और हमारे कार्यकर्ता जो है तीन शिफ्ट में काम कर रहे हैं। अच्छा, कौन कौन कार्यकर्ता हैं बताइए, उनका नाम, उनको कौन कौन सा शिफ्ट चल रहा है भाई? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 7 बजे से 11 बजे गौकरण, तेज कुमारी, रमेती भाई, सुनीता सुनवानी जी। 11 बजे से 3 बजे बिहारी, सनबसिया, लीलावती, सोनी भाई जी। 3 बजे से 7 बजे दयाराम, सचिव, सुमित्रा, कौशल्या, लीलावती। अच्छा, तो आप लोग का भी शिफ्ट चल रहा है ना? हाँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जरूर अगर इस नियम का अगर पालन करेंगे, सिस्टम से काम चलेंगे तो कर सकते हैं। और हमारे जो है सोनाली सिन्हा उप अधियक्ता, वो भी आए थे। अच्छा, कल निर्देश दिए हैं। हाँ, क्या नाम है आपके? श्रीमती तेज कुमारी। अच्छा, क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता? अच्छा, सिरकुतंगा से ठाकुरपारा है ना। तो आप लोगों को सभी मिल करके काम करना है, तभी हिंदुस्तान एक कोरोना मुक्त होगा और हम सामान्य जैसे पहले। अभी तो बहुत संकट की स्थिति में है, आर्थिक स्थिति बहुत डैमेज है, लेकिन पहले अगर जान बचे रहेगा तभी हम, अगर जान बचा है तो सब कुछ है ना। कोरोना से अगर संक्रमण हो जाएंगे कहीं ना कहीं, एक गलती अगर होता है, एक गलती के वजह से जान गंवाना पड़ सकता है। अगर एक इंसान अगर सिरकुतंगा में चाहे कहीं भी बाहर आ गया, ये आप संक्रमण नहीं, लेकिन संक्रमण दे करके चला जाएगा तो पूरा गांव में, देखते घर में पूरा संक्रमण फैल जाएगा, है ना, बहुत तेज़ी से। और 14 दिन के बाद ही पता चल पाता है, सबसे बड़ी बात है, जल्दी पता नहीं चल पाता है ना, पता ही नहीं चलता है 14 दिन के बाद, तो कहाँ कहाँ गया है, किससे मिला है, तो उसे बचना भी है पूरा जिम्मेदारी के साथ। ये आ रहा है, आप देख सकते हैं दोस्तों, पूरा यहाँ पर बैरियर लगाए हुए हैं बहुत ही अच्छा। मास्क क्यों नहीं लगाया हो जी? कहाँ नाम है आपके? कहाँ से हो? तो मास्क उसको काहे नहीं लगाए हो? मास्क क्यों नहीं लगाए हो? बताएं ना मास्क लगाने के लिए, अभी निर्देश दिए हैं ना, भूल जाओगे यार, संक्रमण हो जाएगा, बीमारी हो जाएगा, किसे करोगे? हैं तो रखने से क्या हो जाएगा, रखना है ना, और नाम पता वहाँ दर्शा पूरा जिम्मेदारी। हाँ सर, सर सर मास्क वगैरह? हाँ हाँ सब है। अच्छा, मास्क, सैनिटाइजर वगैरह? अच्छा, सैनिटाइज, थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, आप ही लोग पूरा युवा हैं। हाँ, आप ही लोग सतर्कता बरतेंगे, सभी को हिदायत दीजिएगा, तभी आप आगे जाके कुछ हो सकता है सर, ठीक है? बहुत बढ़िया है ना, और ये सब थोड़ा सा हिदायत देते रहिएगा, मास्क वगैरह पर विशेष। चलिए ठीक है सर, ये ग्राम पंचायत सिरकुतंगा का है दोस्तों, जो कि यहाँ के महिलाएँ द्वारा 3 शिफ्ट में काम किया जा रहा है। ये ग्राम पंचायत सिरकुतंगा का स्थिति बहुत ही अच्छा, यहाँ पर सतर्कता बरत रहे हैं, सभी को हिदायत दिए जा रहे हैं कि मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए, और बहुत ही ज़रूरी कार्य हो तभी घर से बाहर निकलिए। और ये जो पिकअप में बहुत ही स्पीड में आ रहे हैं, यहाँ देखते हैं मास्क लगाए हैं, क्या स्थिति है पिकअप का, स्थिति बहुत ही स्पीड से आ रहे हैं, देखते हैं दोस्तों। और ये इनसे तो पहले मास्क नहीं लगाया है, ड्राइवर को उतारिए वहाँ पर। मास्क काहे नहीं लगाए हो जी? अच्छा, मास्क लगाइए थोड़ा सा, है ना, जिम्मेदारी लीजिए पूरा करके, आप ही लोग को अलर्ट किए हैं, थोड़ा जिम्मेदारी रहोगे तब ना यार कुछ होगा। परमान राजवाड़े मोटिवेशनल स्पीकर, इस चैनल पे जाइएगा दोस्तों, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जो कि कोरोना के सुरक्षा के लिए यहाँ पर अभियान चलाया जा रहा है, सबको नोट कीजिए, अभी तब जाएंगे उधर। गाड़ी नंबर CG15DM। अब यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर निरीक्षण हो रहा है, ग्राम पंचायत सिरकुतंगा की स्थिति है, जो कि लखनपुर विकासखंड के अंतर्गत आती है, रजपुरी से सीधे
नेशनल हाईवे नहीं है लेकिन नेशनल हाईवे से कम नहीं है, चूँकि ये प्रवेश द्वार है और यहाँ से आप गुजर करके अंदर तरफ आप जा सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर खास हिदायत दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कि पिकअप उसके पीछे अभी आ रहे हैं, यहाँ महिलाएं द्वारा बिल्कुल निरीक्षण सतर्कता बरत रहे हैं, बिल्कुल साहसिक काम कर रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं यहाँ पर।